अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज हम लोग स्पेन में विज़िट करेंगे 7 डिफरेंट बीचेस। ये एक ही जगह के ऊपर थोड़े थोड़े फासले पर हैं, तो हमने डिसाइड किया चलें जी इसको विज़िट करते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। इतनी खूबसूरत जगह है, आप पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, होपफुली आपको अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो पार्क करनी है गाड़ी हमने एक जगह पे और वहाँ से हमने पैदल जाना है 7 डिफरेंट बीचेस पर। तो साथ साथ ही पैदल रास्ता है, चलते चलते हम जो है ट्रैवल करेंगे। गाड़ी लेकर जगह जगह आप नहीं जा सकते हैं। और ये देखिए जी, ट्रैक स्टार्ट हो गया है। चलें जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप देखिए हमने अपना डे आउट कैसे किया। मैंने कहा ये देखें इनका कितना गंदा सिस्टम है ना। शुक्र है मेरे पास दो थे, तो दूसरे पे अब ऑन कराया ना, मैंने कहा बच्चों को यूट्यूब नहीं गया। हाँ हाँ ठीक है, मैं ये बना लूँ ना, साथ साथ आप आराम से जाओ। ठंडी है हवा, समंदर के पास ठंडा हो गया। रॉक के ऊपर से जाना। इट्स रियली कोल्ड, कोल्ड वाटर, ब्यूटीफुल। कलर ऑफ द वाटर ग्रीन, ग्रीन वाटर, हेजल कलर। अरे आप केयरफुल, वापिस चले गए वापिस। अरे यार वो है, वहाँ है, वहाँ है, ये देखो कितनी सारी है। लुक एट मबीन, मबीन वो है। फोंडा बीच। इस बीच में जो है वो जेली फिशेस बहुत ज्यादा है। ये पानी के ऊपर ऊपर पिंक नजर आ रही है ना आपको कुछ, ये देखें ये जो पिंक नजर आ रही है ये सारी जेली फिशेस है। तो ये पानी के साथ बाहर को आती है, मैं आपको दिखा दूँ। हाँ ये
वापस आती हूँ। अब इधर रॉक पे बैठ जाओ, इधर बैठो, ये रॉक बैठ ऐसे एक पाँव उठाओ और इधर ऊपर खड़े होकर तो ये हमारा फर्स्ट जो बीच था यहाँ पर हो गया था कंप्लीट और अब हम वॉक करके जा रहे हैं अनदर बीच की तरफ। तो बहुत ही खूबसूरत व्यू था और रास्ते में चलते वक्त भी आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। क्या हर्ट हो रहा है? मैं हंग्री। इसको दो क्या कहते हैं, चॉकलेट निकाल दो, निकाल दो चॉकलेट दे दो। मेरा पुत्र वो हाथ मार के निकाल दो जो लॉन्ग वाली के खाता है। माँ ने लावा किसे हाथ नहीं लाना। हाँ जी बनाने देंगे आप लोग को, मैं बनाऊंगी, ये खा लो। वाह से बहुत प्यारा व्यू है ये सारा। आप चलिए, आपको कितनी देर में आ रही हूँ, बनानी है तो आ जाए। एक्चुअली सारी जो प्लेस है ना, वॉक करते करते एक से दूसरे आप जो है वो जाते हैं बीच की तरफ। मैं बहुत ज़्यादा बोल इसके नहीं रही हूँ कि बोर हो जाता है बंदा इसकी बातें करते करते। आप देख सकते हैं कुछ बीचेस में तो मैंने बहुत ज़्यादा बनाई हैं, कुछ में हालात नहीं थे बनाने वाले, आवाम बड़ी खुली डुली बैठी हुई थी, तो मैंने बस अपने हिसाब से वीडियो बनाई है। आप इंजॉय करें।
हो सकता है। उनसे पूछो अरहम से भी। अरहम वाटर पियोगे? यू वांट वाटर? बहुत ही खूबसूरत जगह थी ये, इतनी प्यारी, इतना कैप्चर अच्छे से नहीं हुई है जितनी ये देखने में खूबसूरत जगह थी। और लाइट इतनी तेज़ थी, सनी डे था, कि मुझे समझ नहीं आ रही थी मेरा कैमरा सही है कि नहीं, तो मैं बार बार घुमा रही थी कि थोड़ा टेढ़ा हो गया, बट सुभानअल्लाह खूबसूरत जगह है, वर्थ ऑफ विजिटिंग। आप लोग अगर स्पेन आए तो यहाँ ज़रूर आए। अच्छा
मेरी लॉटरी लगनी है। देखना तुम एवरीवन कैन बाय। तो ये हमने अपने सारे बीचेस कंप्लीट कर लिए। 7 बीचेस में समझ रही थी और ये 8 थे। बीच में कुछ बहुत ही छोटे छोटे थे तो जिनको बस दूर से ही हमने देख लिया। कुछ नीचे लोग जो हैं वो धूप सेक रहे थे तो हमने कहा नीचे नहीं जाते तो दूर से ही देख लिया। बाकी फर्स्ट वाला और लास्ट वाला बहुत ही खूबसूरत था इसलिए मैंने डिटेल से बनाई उसकी वीडियो। ये हम जा रहे हैं जी अब नीचे की तरफ क्योंकि हम ये जो बीचेस देखने आए थे ये हम नीचे से ट्रैवल करके पहाड़ के ऊपर की तरफ आए थे और अब हम जा रहे हैं वापस नीचे की तरफ। और नीचे जाते हुए हम एक सी साइड भी है जहाँ पर वाटर इंजॉय कर सकते हैं, उसको भी देखेंगे। अगर गेट खुला हुआ तो उस पर भी हम जाएंगे, अगर गेट बंद हो गया क्योंकि शाम होने वाली है तो फिर वापस हम चलेंगे अपने घर की तरफ। तो ये हमने ढूंढ लिया था जी के बीच की एक क्वाइट सी जगह जहाँ पर हम थोड़ा वाटर के साथ टाइम स्पेंड कर सके। लेकिन शाम हो रही थी, पानी ठंडा था, हम वापस आ गए और ये हम जा रहे हैं वापस ब्लेन्स जहाँ हमने स्टे किया हुआ है। और यहाँ से तकरीबन जो है 1 घंटे का रास्ता है। ठीक है, आप गूगल से इनके नाम निकाल सकते हैं। स्पेन की जगहों के नाम बड़े मुश्किल मुश्किल से हैं तो इसलिए मैंने कहा कि गलत बोलने से बेटर है कि बंदा ना बोले। तो आप लोग इनके नेम्स निकाल सकते हैं गूगल से। आपने विज़िट करना है तो आप आराम से इनको ढूंढ लीजिए और ज़रूर विज़िट कीजिएगा, बहुत अच्छी जगह है। बाकी मैं क्या कहूँ आपसे, आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा है और आप लोग भी स्पेन आए तो इस जगह को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। बहुत खूबसूरत बीचेस थे, ठीक है, और आपको अच्छा लगेगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।